आपने जो चैप्टर का बेसिक्स है वो कवर कर लिया होगा। वो बेसिक्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स आप एक तरीके से क्वेश्चंस को लर्न कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। वो बेसिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा और उसको फिर नोटबुक में जरूर लिखिएगा। अगर वो बेसिक्स आपको कवर हो गया है, अच्छे से आ गया है, तो ये एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चंस बड़े ही इजीली सॉल्व होंगे इफ यू हैव ग्रैब दैट बेसिक्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन वन आप देखिए, बुक में हमने वो बेसिक्स में कवर किया था, वहां पर हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या करना है इसमें देखिए, पीएमआई का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है एन बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है, तो वही आपको क्या बताया था बेसिक्स में, पी ऑफ वन के लिए, फिर पी ऑफ के लिए और फिर पी ऑफ के प्लस वन के लिए। ऐसे समझ में आ गया था ना, जो थंबनेल में सीढ़ी लगी हुई है पिक्चर में, वन के लिए चढ़ते हैं, फिर के पे जाते हैं और फिर के प्लस वन पर जाते हैं। तो ये तीन काम हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पी ऑफ वन से। दिस इज योर प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो कि पी ऑफ एन से डिनोट कर रहे हैं हम। फिर एन के प्लेस पर वन पुट करना है, के लिए एज्यूम करना है और के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो फॉर एन इज इक्वल टू वन, दिस इज योर पी ऑफ वन स्टेटमेंट। पी वन का स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैंने बेसिक्स में बड़े अच्छे से समझाई ये चीज कि अप टू फर्स्ट टर्म ओनली, कि सिर्फ फर्स्ट टर्म लेने, यानी फर्स्ट टर्म अभी क्या है वन क्यूब, तो ये ले लें यहां से लेफ्ट हैंड साइड इतनी बनेगी एन इक्वल टू वन के लिए। राइट हैंड साइड में आ जाइए, एन को वन पुट करना है, यानी कि यहाँ वन पुट किया हमें डिवाइड में और ये स्क्वायर, तो यानी कि वन आना चाहिए राइट हैंड साइड में। चेक करो, वन प्लस वन टू अपॉन टू वन बन रहा है और वन का स्क्वायर वन, इट मीन्स ये ट्रू है फॉर एन इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन के लिए। इसके लिए हम ट्रू प्रूव करते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, चेक करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसमें हम एज्यूम करेंगे और इसमें हम प्रूव करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा आपका, चेक करना है वन पर, के पर एज्यूम करना है और के प्लस वन पर प्रूव करना है। तो वन पर चेक कर लिया मैंने, अब क्या करूंगा, के पर एज्यूम करूंगा। के लिए हमने चेक कर लिया है, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, के लिए हम एज्यूम करके समझ रहे हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, तो पी ऑफ एन हो गया, पी ऑफ वन आ गया, अब क्या निकालोगे यहाँ से, पी ऑफ के स्टेटमेंट। तो पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इन प्लेस ऑफ एन आपको क्या पुट करना है, इधर भी के और इधर भी के, तो ये बनेगी आपकी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस के क्यूब इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू और होल स्क्वायर। दिस इज योर पी के स्टेटमेंट, एज्यूम किया था, अब क्या करोगे, प्रूव करेंगे के प्लस वन के लिए। तो पी के प्लस वन स्टेटमेंट लिखना मैंने, राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बड़े अच्छे से आपको बेसिक्स में समझा रखा है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो बेसिक्स का वीडियो जरूर देखें। वहाँ पर राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट का पूरा टॉपिक समझाया गया है कि के प्लस वन स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस के क्यूब तक तो एडिटिंग जाएगी, उसके बाद क्या आएगा के प्लस वन और उसका क्यूब। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड फॉर के प्लस वन, राइट हैंड साइड में के को रिप्लेस करना है बाय के प्लस वन, तो ये के प्लस वन हो गया। यहाँ पर के प्लस वन डालोगे तो वन ऑलरेडी है, क्या बन जाएगा के प्लस टू डिवाइड में टू एंड इसका होल स्क्वायर। मतलब दिस इज योर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है एंड इट मस्ट बी योर आंसर, ये आंसर आना चाहिए इसको सोल्व करने के बाद। तो यहाँ तक की वैल्यू देखो आपके पास, इधर तक की वैल्यू है ये, यहाँ पर मतलब इस इतनी जगह को हम रिप्लेस कर देंगे बाय दिस और ये एज इट इज रहेगा, समझे ना, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इधर तक की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, जो कि ये है के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है के प्लस वन का होल क्यूब, के प्लस वन होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर प्रूव करके दिखाना है। तो ये इसको स्क्वायर के टर्म में लिख दो पहले, के स्क्वायर के प्लस वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, सभी का स्क्वायर बन रहा था ना, तो ये स्टेप लिख दिया मैंने यहाँ से। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, के प्लस वन
या तो पहले एलसीएम लो या कॉमन निकाल लेते हैं, पहले छोटा पड़ेगा वहां से। यहाँ पर के प्लस वन का स्क्वायर है, यहाँ पर के प्लस वन क्यूब है, तो के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ गया भाई बाहर। अंदर देखो यहाँ से क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन फोर, और यहाँ पर अगर स्क्वायर बाहर चला गया तो के प्लस वन ही बचा सिर्फ आपके पास, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो के प्लस वन स्क्वायर, अंदर फोर एलसीएम, के स्क्वायर प्लस फोर के, प्लस में फोर और डिवाइड में फोर, ये स्टेप बन गया यहाँ से। इस पूरे को सोल्व करके हमें तो ये आंसर फाइंड आउट करना है। करो इसको, ये देखो परफेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है, टू का स्क्वायर बनेगा टू ए बी, के प्लस टू का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कैसे लिखोगे इसको, के प्लस वन का स्क्वायर तो ये है ही, के प्लस टू का स्क्वायर ये आ जाएगा और डिवाइड में क्या है फोर। चेक करो आपका आंसर आ चुका है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस वन हो गया यहाँ से, के प्लस टू हो गया यहाँ से और डिवाइड में टू और पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये वाला तरीका आपको इसको पूरे को फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो होने वाला है, और ये पैटर्न समझने के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो पी ऑफ वन के लिए चेक करेंगे, पी ऑफ के लिए हम अज्यूम करेंगे जो भी यहाँ पर किया है, और पी ऑफ के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये स्टेप्स रहने वाले हैं, जैसे आप के प्लस वन राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो आपका आंसर है जो कि आना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और वो आंसर बनाना है। तो यही काम हमने इसमें किया है। सो दिस इज पैटर्न, पॉज द वीडियो। इस क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, यहाँ पर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा ही। आपको क्वेश्चन को देखते ही अपने बेसिक्स पर आ जाना है कि ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपको पी ऑन है, पी ऑफ एन हमें पी ऑफ वन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर के अंदर तो पी ऑफ वन फाइंड आउट करेंगे। पी ऑफ वन का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म जो भी है वन, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एन को यहाँ पर करोगे वन, इधर सोगे ये आपकी राइट हैंड साइड। तो टू इंटू में वन अपॉन वन प्लस वन, 2 by 2, 1 आ रहा है। It means it is true for n is equal to 1, 1 के लिए true है। फिर क्या करते हो? Assume करते हो। Assume it is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए assume करेंगे। तो p of k statement find out करेंगे। p के statement बन गई, ये p n statement है, ये p 1 और ये p k statement। तो p के statement कहाँ तक जाएगी? देखो यहाँ पर 1 plus 1 by 1 प्लस टू, ये बना यहाँ से 1 प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन, 1 बाय 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस के तक जाएगी, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 2 के डिवाइड में k प्लस 1, ठीक है। दिस इज पी के स्टेटमेंट, अज्यूम किया है। अब k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस में 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में k तक तो जाना ही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k तक गए हम, उसके बाद क्या आएगा, k प्लस 1 का काम शुरू होएगा, क्योंकि k तक तो हम जाए हैं, आफ्टर दैट k प्लस 1 आता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये बन गया यहाँ पर k प्लस 1, और इक्वल टू में व्हाट, यहाँ पर रिप्लेस करो k की जगह क्या आ गया k प्लस 1, और डिवाइड में क्या बन जाएगा, जब k को k प्लस 1 पुट करोगे तो 1 ऑलरेडी वहां पर है, k प्लस 2 बन। अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करना है, और जो राइट हैंड साइड में वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, यहां तक की वैल्यू आपके पास है यानी ऊपर, तो इसके जगह ये पुट कर दो, ये बन गया आपका 2k अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। यहां तक की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने इससे, और ये एज इट इज भाई प्लस में 1 बाय, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं देखो k प्लस 1 k प्लस 2 से डिवाइड में, इसको मैंने ये लिखा, ये कैसे आया देखो, इसको समझेंगे रफली बता रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और सम ऑफ n सीरीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, लास्ट एन एफ में पढ़ाया हमने, ठीक है। यहाँ पर एन है तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है, अब इस एन की जगह यहाँ पर क्या है के प्लस वन है, तो एन को रिप्लेस करो क्या आएगा एन की जगह के प्लस वन, और अंदर क्या होगा एन में वन ऐड हो रहा है, के में के प्लस वन में वन ऐड हो जाएगा ये वन डिवाइड में, तो के प्लस वन और ये क्या बन गया के प्लस टू बाई टू, तो वो इस टाइप से आया, और ये डिवाइड में हो रहा है ये सारा वन अपॉन में, तो वन अपॉन में ये, ठीक है।
इस टाइप से ये स्टेप बना है यहाँ पर। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, तो ये टू डिवाइड में यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनाकर टू के अपॉन में के प्लस वन प्लस में टू अपॉन के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है, कॉमन निकाल दो यहां से। यहां पर एलसीएम लेकर सोल्व करने की बजाय अगर कॉमन आ रहा है तो वो ज्यादा सभी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, कॉमन निकालने की ट्राई किया करो, क्वेश्चन छोटा बन जाता है। देखो टू बाय के प्लस वन, टू बाय के प्लस वन कॉमन आ रहा है, ये टू इसके डिवाइड में है इधर, तो टू बाय के प्लस वन मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया भाई। यहां से क्या बचा के, और यहां से वन बाय के प्लस टू, ये बच गया। ठीक है, के प्लस टू एलसीएम निकाल दो यहां से, तो टू अपॉन के प्लस वन एज इट इज, के प्लस टू एलसीएम लोगे तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइड में के प्लस टू, ये बन रहा है ना। के प्लस टू मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो के प्लस टू की मल्टीप्लाई के से की, तो ये बन गया होल स्क्वायर बन रहा है के प्लस वन का। तो लिखो यहां पर टू अपॉन के प्लस वन एज इट इज, ये बना ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका के प्लस वन का स्क्वायर और डिवाइड में के प्लस टू एज इट इज। ठीक है, एक पावर टेन से क्या बचा अंदर, टू इंटू के प्लस वन और डिवाइड में क्या है के प्लस टू। हाँ जी, चेक कर लीजिए, यही तो प्रूव करके दिखाना था, तो ये आंसर आ गया। तो वही पैटर्न फिर फॉलो किया हमने, के प्लस वन के लिए प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना आपको हर एक क्वेश्चन में, और राइट हैंड साइड जो करनी थी उसको प्रूव करके दिखाना है। तो दिस इज योर बेसिक्स, अगेन पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपके लिए छोड़ा है, इजी है, उसी टाइप से करना है, फिर थोड़ा सा अलग है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। पी एन स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज योर पी एन स्टेटमेंट, तो पी वन स्टेटमेंट निकालेंगे हम यहां से। पी वन स्टेटमेंट का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म यानी 1 * 3, लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में भी एन को क्या पुट करना है, 1। यहां पर 1 पुट करोगे, 2 माइनस 1 1 बचा, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया ये, प्लस में 3 डिवाइड में 4। ठीक है, ये बनाया ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 बाय 4 यानी कि 3 आ रहा है, और इधर से भी 3। तो दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये लाइन लिखनी है आपको यहां पर, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, k के लिए अज्यूम करते हैं, अज्यूम इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k, k के लिए ट्रू है तो पुट करो, pk स्टेटमेंट आपकी बनेगी। pk स्टेटमेंट है 1 * 3 प्लस 2 * 3 स्क्वायर प्लस 3 * 3 क्यूब प्लस में ये बन जाएगा यहां पर k * 3 पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस में 3 डिवाइड में 4। दिस इज योर pk स्टेटमेंट। ठीक है, अब k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे इसको। तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 * 3 प्लस 2 * 3 स्क्वायर प्लस 3 * 3 क्यूब, यहां तक तो एज इट इज में आप k की जगह k प्लस 1 आएगा, तो इस k की जगह k प्लस 1 लिख दिया, * में 3 की पावर क्या बन गई k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर k प्लस 1 पुट करो, रफली दिखा रहा हूं, यहां पर k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या बन गया, 2k प्लस 2 और माइनस में 1 है, तो क्या बचा, 2k प्लस 1 ही बचा, तो लिख दो डायरेक्ट 2k प्लस 1, 3 की पावर कितनी बन जाएगी, k प्लस 1 पुट कर रहे हैं और 1 ऑलरेडी है, तो k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड में 4। मतलब दिस इज योर एक्चुअल आंसर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और वो बना रहे होंगे। तो यहां तक की वैल्यू तो देखो ये रही रखी हुई है, पुट कर दो यहां पर, ये बन गई 2k माइनस 1 3k प्लस 1 डिवाइड में 4 प्लस में 3 अपॉन 4, अलग अलग कर दिया, ये आंसर है ना, यहां लिख दिया अलग अलग करके, प्लस में ये आपके पास k प्लस 1 3 पार k प्लस 1। ठीक है, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो निकाल दो इधर करके हम इसको, 3 की पावर k प्लस 1 ये कॉमन निकालने वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में, हर बार कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, तो डेफिनेटली आपको निकालना है इसको। तो 3 पावर k प्लस 1 बाहर, यहां से क्या बचा 2k माइनस 1 डिवाइड में 4, और इधर से 3 पावर k प्लस 1 बाहर क्या बचा प्लस में k प्लस 1। ठीक है, और ये
इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3/4 एज इट इज, ठीक है ना। कॉमन तो सिर्फ इन दो में था, इसमें कॉमन नहीं था, तो इसको अलग छोड़ दिया हमने। तो सॉल्व करेंगे इसको, बना 3k+1, 2k-1, 4 LCM 4k+4 और प्लस में 3/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये बना आपका 4 और 2 6k, प्लस में 3 और प्लस में 3/4। अब आंसर के ऊपर आ जाओ, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। तो देखो इसमें 3 कॉमन है, इसमें तो 3 कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा k+2। इसके अंदर 6k+3 में 3 कॉमन है, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया, 3k+1 था, एक 3 और आ गया, तो क्या बचा, बेस सेम पावर है 3k+2, तो अंदर क्या आ गया यहाँ पर 2k+1 और प्लस में क्या है 3/4, ठीक है। तो ये बन गया, चेक करो क्या आंसर, यही 2k+1 आ गया, 3k+2 आ गया और प्लस में 3/4 आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पर 4 एलसीएम लेकर के दिखा दो, अगर पूरे के ऊपर 4 एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, पोज दो, ये डिवाइड में ये 4 यहाँ पर रहता भाई, 4 इधर ही चल रही है, लिखा नहीं था ना, ये 4 इधर ही है और ये 4 इधर ही, आप 4 एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, मतलब ये दोनों एक ही पार्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर, नाउ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपके लिए इजी सा है, उसी टाइप का सॉल्व करिए इसको। 7 पे पहुंच रहे हैं, 7 पे क्या करना है भाई, दिस इज योर पी एन स्टेटमेंट और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो P1 स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपलीफाई करना है हमें इसको, P1 लिया है यहाँ पर, तो P1 मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 × 3, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में n को 1 पुट करेंगे, तो ये तो हो गया 1 × 4+6−1/3, तो 10−1 9/3 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इधर से भी 3, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है, pk स्टेटमेंट है, तो pk स्टेटमेंट लिखेंगे हम 1 × 3+3 × 5+5 × 7 सो ऑन, ये बना 2k-1 2k+1 और इधर से k × 4k² + 6k−1/3, pk स्टेटमेंट ये बन गई, ठीक है। अब pk+1 स्टेटमेंट तो करेंगे यहां से k तक तो ऐसे ही जाएगा, 3 × 5 + 5 × 7 + ये बना आपका 2k-1, उधर है 2k+1, ठीक है। ये k तक का काम हो गया, अब क्या करना है, k के प्लेस पर k+1 पुट करना है, तो 1 को करके दिखा रहा हूँ यहाँ से, देखो इस टाइप से करना है, ये जो k है इसके प्लेस पर k+1 लाना है, तो क्या बना 2k+2 और -1, यानी 2k+1 आ गया ना, 2k+1, और इधर से क्या आ जाएगा इसी टाइप से 2k+3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या बना, इधर k+1, ये अंदर बना भाई 4k+1² + 6 × k+1−1/3, ये बना, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं हम, जो हमारा फाइनली आंसर आने वाला है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो इसको, k प्लस वन है बाहर, अंदर देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा 4k² + 4+8k, ठीक है, 2ab 2k और 4 से मल्टीप्लाई किया ये, प्लस में 6k+6−1/3, तो ये बन रहा है आपका k+1, यहाँ से 4k² + 14k और प्लस में 9 डिवाइड में 3, ये बन गया, ठीक है, ये 14 के ये बना यहाँ से 9, मतलब अब हमें आंसर ये लेकर आना है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, दिस इज योर फाइनल आंसर दैट इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इधर तक की वैल्यू आपके पास है, ये रे ये तो उठा लो यहाँ से, दिट इज के इंटू में 4k² + 6 − 1 अपॉन में
यहां तक की वैल्यू तो हमने एच डी ले ली है, प्लस में आपके पास ये है 2k+1, 2k+3। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एलसीएम ले लो भाई, तो ये बना आपका k इनटू में 4k² + 6k-1 एज इट इज। यहां पर सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, 2k की मल्टीप्लाई इससे की 4k² + 6k + 2k + 3, और 3 भी जाएगा ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां लिख दो एलसीएम लेने के बाद डिवाइड में 3, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट स्टेप में 3 एलसीएम लेकर इस टाइप से लिखा जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 4k³ + 6k² - k, और इधर से बन रहा है 12k² + 18k + 6k + 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म डिवाइड में 3, तो इसको देखो क्या आ रहा है आगे, 4k³ एज इट इज प्लस में 12 और 6 18k² आ रहा है इधर से, ठीक है, से बन रहे 18k + 23k + 9, ये बना भाई यहां से, और डिवाइड में आपका बन रहा है इधर से 3, ठीक है। आप देखिए ये क्यूबिक पॉलीनोमियल बन गया है, और क्यूबिक को पॉलीनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, क्लास 9th में सीखा था बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, 1 पुट करके चेक करना 0 बनेगा, -1 पुट करके चेक करना 0 बनेगा, जिससे भी 0 बने, अगर 1 0 बनाए तो डिवाइड करेंगे k -1 से, 1 तो 0 बना नहीं सकता क्योंकि सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 0 बनाएगा इसको, तो डिवाइड किससे करोगे k +1 से, जो कोशेंट आएगा उसके आप बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सोल्व करोगे, जो कि बेसिक्स और लेंथिंग मेथड है। इसका मैं एक शॉर्टकट वीडियो बताता हूँ आपको, शॉर्टकट तरीका है हाउ टू सोल्व क्यूबिक पॉलीनोमियल इन शॉर्ट वे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ना सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक पॉलीनोमियल बाय शॉर्ट मेथड, मेरे चैनल पे वीडियो उसमें मिलेगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, कि क्यूबिक पॉलीनोमियल को हम फास्टली ट्रिक में 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा अभी आपका k प्लस 1 4k² + 14k + 9 डिवाइड में 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि पॉलीनोमियल, ये वीडियो देखना आपको कन्वीनियंट रहेगी, हेल्पफुल आगे भी काम आएगी, जल्दी से हम निकाल देंगे इसको, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये बनेगा। सो दिस इज योर आंसर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, पीएन स्टेटमेंट है ये, P1 स्टेटमेंट निकालेंगे हम यहाँ से, यानी कि ओनली फर्स्ट टर्म और इक्वल टू में 1 यहाँ पुट करोगे 1 - 1 0 ही होगी ये टर्म, तो प्लस में 2 बस, तो 2 = 2 आ रहा है, ट्रू फॉर n = 1। फिर k के लिए अज्यूम करेंगे, अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k, k के लिए ट्रू है, तो क्या बनेगी pk स्टेटमेंट भी, pk स्टेटमेंट 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2² + 100 यहाँ क्या आ जाएगा k² ऑफ k, ठीक है, यहाँ पर k पुट करेंगे तो k -1 और 2 k + 1 एंड प्लस में 2, ठीक है, ये बनी k स्टेटमेंट, pk स्टेटमेंट। अब pk प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ से 2 × 2² + 3 × 2² इधर तक तो जाना ही है, k तक तो k × 2k प्लस में, अब क्या आएगा k+1, तो k+1 हो गया इनटू में 2 की पावर भी क्या हो गया k+1, जहां तक एज इट इज रहता है फिर k+1 जाते हैं। एक टाइप से यूं सोच लो ये आपका हासी और ये हिसार है, तो हिसार आपको यहां से जाना है तो हासी तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब पास कौन सा पड़ रहा है, अगर आप सपोज करो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो पहले हासी आएगा फिर हिसार आएगा, मतलब दिल्ली से हिसार आना है तो हासी जाना ही पड़ेगा, तो ये हासी है और फिर हिसार है, और ये क्या है दिल्ली, दिल्ली से हासी और फिर हिसार, इस टाइप से, मतलब दिल्ली से डायरेक्ट हिसार नहीं आएंगे हम, हासी रुकेंगे, सरकारी बस है ना, रुकना पड़ेगा वहाँ पर। तो इक्वल टू में के प्लस वन हो गया, यहाँ पर के प्लस वन पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, के बचा और इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर, k+1 पुट करोगे तो k+2 हो, गॉट इट,
के प्लस वन पुट किया, वन से वन कैंसिल, टू की पावर के प्लस टू प्लस में टू। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करके दिस इज योर आंसर, ये हमें प्रूव करना है। तो इधर तक की वैल्यू ये 80 रुपए थे, यहाँ तक 80 है, क्या मिला वहां पर, ये मिला k माइनस वन टू के प्लस वन प्लस में टू, इसको ऐड कर दो भाई, k प्लस वन इंटू में टू के प्लस वन, कॉमन आ रहा है टू की पावर k प्लस वन, तो कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा यहाँ से k माइनस वन, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, याद रखना ये तो अलग है, इसको अलग रखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन है ना, तो प्लस में ये आ गया k प्लस वन और प्लस में टू एज इट इज, तो जो कट रहा है वो काट दो, माइनस वन से वन कैंसिल हो रहा है, ये बना टू के प्लस वन और अंदर बचा टू, टू ऑफ के, ये बचा ना माइनस वन से वन कैंसिल, टू के बचा प्लस में टू, ठीक है, तो इसको बाहर लिया और टू को, टू की पावर क्या बन जाएगा, के प्लस टू बन जाएगा, क्योंकि वन तो ऑलरेडी और वन ये बेस सेम पावर है, इंटू में के एज इट इज और प्लस में टू, तो ये जो आंसर था ये प्रूव करके दिखाना था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर 9, मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ पीएन स्टेटमेंट एंड ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो p1 स्टेटमेंट निकालेंगे, p1 स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 1 - 1/2 की पावर 1 क्या बना, ये बना, तो क्या है इधर से भी हाफ और इधर से भी हाफ, k ये बन, ठीक है, तो अब pk प्लस 1 स्टेटमेंट निकाल लिए, तो हासी तक फिर जाना पड़ेगा, दिल्ली से हासी पहुंच रहा है फिर हिसार आ रहा है, तो 1/2 प्लस में 1/4 प्लस 1/8 प्लस में 1/2 पार k तक एज इट इज, प्लस में क्या आएगा 1/2 k पार प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 1 - 1/2 की पावर k प्लस, ठीक है, सॉल्व करना है, यहाँ तक का क्या मिला था हासिल में, ये मिला था, तो 1 - 1/2 के और प्लस में क्या है 1/2 के प्लस में 1, ये बना सॉल्व करके ये बना, ठीक है, तो इसको ऊपर लिख रहे हैं हम, यहाँ से आपके पास आ गया 1 - 1/2 पार के प्लस में 1/2 के प्लस में 1, और 2 के प्लस 1 को देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर के प्लस 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर एड वापस यही बन जाएगा, तो क्यों लिखा, क्योंकि अब कॉमन आ रहा है अपने पास, तो ये बना 1 - 1/2 की पावर के कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ तो बचा भाई 1 और इधर क्या बचेगा माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 1 - ये बना 1 में से हाफ गया, हाफ बचा बेस सेम पावर एड यानी कि 1 - 1/2 के प्लस 1, ये बन गया भाई, और यही आपका आंसर था। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द वीडियो स्टार्ट। पीएन स्टेटमेंट है ये, तो p1 स्टेटमेंट निकालेंगे भाई, p1 स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट टर्म ओनली लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में n को 1 पुट करोगे आप लोग, तो 1/6 + 4 तो इक्वल आ रहा है 1/10, 1/10, ठीक है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, अज्यूम इट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k, तो p के स्टेटमेंट लिखेंगे यहां से, ये बना 1/5 × 8 प्लस में 1/8 × 11 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/3k - 1 3k + 2 और इक्वल टू में k/6k + 4, दिस इज योर पी के स्टेटमेंट। अब पी के प्लस वन पर चलते हैं भाई, यहाँ तक तो सफर कर लिया, आगे यहाँ भी पूछना है, तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 ये बचा यहाँ से 1/3k - 1 3k + 2, ठीक है, अब चेक करो ध्यान से, k तक तो पहुंच गया, अब k की जगह k प्लस 1 पुट करना है, देखो इस टाइप से करना है, सिर्फ k की जगह ये पुट करना है, इसके की जगह ये, तो क्या करना है चेक करना,
थ्री के प्लस थ्री माइनस वन यानी कि थ्री के प्लस टू इधर करोगे पुट के प्लस वन तो थ्री के प्लस फाइव बन रहे ना, थ्री के प्लस थ्री प्लस में इधर आ जाओ के को पुट किया के प्लस वन और इधर से सिक्स के प्लस टेन, के को पुट किया के प्लस वन तो सिक्स प्लस फोर टेन हो गया, मतलब लेफ्ट को सोल्व करना राइट बना लिया तो इधर तक की वैल्यू ये नहीं, यहाँ पर के अपॉन में सिक्स के प्लस फोर और प्लस में ये एज इट इज वन अपॉन थ्री के प्लस टू और थ्री के प्लस फाइव ये बना, ठीक है इसको सोल्व करना है वो बना। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से थ्री टू कॉमन निकाल दो, अगर मैं टू कॉमन निकाल दूँ तो ये बन रहा है वापस चेक कर लो सिक्स के प्लस फोर बन रहा है ना वापस से इस टाइप से, क्यों लिखा क्योंकि अभी कॉमन आ रहा है यहाँ तो इसको ऊपर सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल दो वन अपॉन थ्री के प्लस टू ये कॉमन आ गया भाई, तो यहाँ से क्या बचा के बाई टू प्लस में यहाँ से वन अपॉन थ्री के प्लस फाइव, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे वन अपॉन थ्री के प्लस टू यस एलसीएम बनेगा टू इंटू थ्री के प्लस फाइव ऊपर क्या आ जाएगा टू तो यहाँ पर है इसकी मल्टीप्लाई के से करनी है तो थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव ये बना ना, टू तो यहाँ पर है तो के की मल्टीप्लाई से की ये बना, यहाँ पर टू वन जट ओके, तो इसको सोल्व करोगे क्या बन रहा है स्प्लिट इन द मिडल टर्म से सोल्व होएगा, मल्टीप्लाई करें तो फाइव आए और ऐड करें तो सिक्स, क्या बन रहा है इसके फैक्टर थ्री के प्लस टू के प्लस में टू यही बन रहा है ना, फाइव के फैक्टर थ्री के प्लस टू के फाइव के और मल्टीप्लाई करें तो सिक्स के स्क्वायर भी आ रहा है तो ये तो एज इट इज भाई, इसके फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से थ्री के कॉमन आएगा प्लस में वन और अंदर क्या आ जाएगा के प्लस वन और डिवाइड में आपके पास है ये टू इंटू में थ्री के प्लस फाइव, ठीक है तो ये दो यहाँ से फैक्टर सही से नहीं लिखे भाई, थ्री के अगर कॉमन आ रहा है इसके अंदर तो यहाँ से के प्लस वन ही तो बचेगा और वहां पर टू कॉमन आ रहा है तो थ्री के प्लस टू है सॉरी, ठीक है तो थ्री के प्लस टू से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर आपके पास के प्लस वन अंदर मल्टीप्लाई करो सिक्स के प्लस में टेन, तो दिस इज रिक्वायरमेंट, ये आंसर था।